अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल शेयर करने वाला हूँ कि टेक्नो कैमन 17 के अंदर आपको एड्स को किस तरह से ऑफ करना है। अब वैसे देखा जाए तो टेक्नो की जितनी भी डिवाइसेस आती हैं उन सब के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा एड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एड आपको टॉप पर मिल रहा है, इसके अलावा होम स्क्रीन के लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एड्स मिलते हैं, आप मेन्यू अगर स्क्रॉल करते हैं तो मेन्यू के टॉप पर भी आपको एड्स मिल जाते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे एड्स इस डिवाइस के अंदर मौजूद हैं। आज का ट्यूटोरियल जो है वो कैमन 17 के लिए स्पेसिफिक होने वाला है, क्योंकि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई डिवाइसेस जो डिफरेंट आती हैं उनके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो मैं स्टेप्स आपके साथ में शेयर करूंगा वो सिर्फ कैमन 17 तक वैलिड है, मे बी टेक्नो की दूसरी डिवाइसेस के अंदर भी वैलिड हो जाएं, तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, हो सकता है आपका फायदा हो सके। ये डिवाइस करंटली एंड्रॉयड 11 के ऊपर रन कर रही है, आप देख सकते हैं, और जो सेटिंग्स मैं बताऊंगा वो भी एंड्रॉयड 11 के हिसाब से ही बताऊंगा। ट्यूटोरियल को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलती रहे, हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आते रहें। और आज की वीडियो को लाइक जरूर करेगा, आज की वीडियो का लाइक टारगेट 150 लाइक कर रखते हैं, उम्मीद है आप लाइक टारगेट पूरा कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि ये वाला एड आपने किस तरह से ऑफ करना है, और साथ में जो आपको होम स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आपको जो एड्स मिलते हैं या फिर थोड़ी सी इरिटेटिंग सी यहाँ पे पैनल मिलता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है, वो कैसे ऑफ करते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे फीड्स नहीं आ रही, वरना भी यहाँ पे ज्यादातर जो है एड्स आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि होम स्क्रीन को देर तक आपने प्रेस करना है, और आपने जाना है डेस्कटॉप सेटिंग्स के अंदर। डेस्कटॉप सेटिंग्स के अंदर आप जैसे ही आएंगे आपको लास्ट में ऑप्शन मिलेगा, थर्ड लास्ट ऑप्शन मिलेगा आपको अदर सेटिंग्स का, आपने इसके अंदर आके सर्च बार को ऑफ कर देना है। सर्च बार को आप ऑफ करते हैं तो आपके सामने जो टॉप पे सर्च बार आ रही थी वो गायब हो चुकी है। अब यहाँ पे दोबारा चलते हैं हम लोग डेस्कटॉप सेटिंग्स के अंदर, और अब बेसिकली हम लोग ये वाला पैनल टर्न ऑफ करेंगे। तो ये वाला पैनल डिसेबल करने के लिए आपने दोबारा से अदर सेटिंग्स के अंदर जाना है, और फिर यहाँ पे जाके आपने जीरो स्क्रीन को डिसेबल कर देना है। अब जीरो स्क्रीन को आप जैसे डिसेबल करते हैं, और आप देख सकते हैं आपकी डिवाइस यहाँ पे होम स्क्रीन के साइड से बिल्कुल फ्री हो गई, एड्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ रहे। अब यहाँ पे जो थर्ड प्रॉब्लम है कि ये वाली एड्स जो आते हैं इनको कैसे ऑफ करना है, तो इसको ऑफ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको ऊपर तीन डॉट मिलेंगे, आपने इनको ओपन करना है और आपने हाइड इंस्टेंट ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये गायब हो जाएगा। अगर आपको वापसी लाना हो तो आप ओपन इंस्टेंट ऐप्स के ऊपर क्लिक कर दें, ये पैनल वापसी आ जाएगा। इस स्टेप से आपकी डिवाइस काफ़ी हद तक ऐड से क्लीन हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक ऐसी प्रॉब्लम है टेक्नो की डिवाइसेस के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग कंप्लेन करते हैं, वो है नोटिफिकेशंस की। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस आते हैं और काफ़ी ज़्यादा इररेलीवेंट नोटिफिकेशंस आते हैं। तो इररेलीवेंट नोटिफिकेशंस आपने टर्न ऑफ करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं जो कि अनइंस्टॉल नहीं होती और वो आपके काम की भी नहीं होती, तो आपने या तो वो सारी ऐप्स को डिसेबल कर देना है। अगर आप ऐप्स को रखना चाहते हैं तो आपने सिंपल नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शन में जाके उनकी नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देना है। अब ये स्टेप आपको तकरीबन सारी ऐप्स के ऊपर करना है जो कि आपको नोटिफिकेशंस के मामले में तंग कर रही है, और इनके अंदर जो मोस्टली ऐप्स हैं वो ये वाली है, पाम स्टोर है, इसके अलावा AHA गेमिंग है, ये वाली जो ऐप्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशंस देती हैं। तो आपने सिंपल ऐप को देर तक प्रेस करना है, और पहला ऑप्शन जो आपको मिलेगा एप्लीकेशन डिटेल का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, नोटिफिकेशंस में जाना है, और आपने नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर देना है। जैसे ही आप करेंगे नोटिफिकेशन से ये ऐप आपको कभी भी सेंड आउट नहीं करेगी। बेटर यही है कि अगर आप ऐप्स को इस्तेमाल नहीं करते तो ऐप को या तो आप अनइंस्टॉल कर दें, या फिर आप डिसेबल के ऊपर क्लिक करके ऐप को डिसेबल कर दें, इससे ऐप यहाँ पे शो ही नहीं होगी। और टेक्नो की डिवाइसेस के अंदर काफ़ी सारी इररेलीवेंट ऐप्स होती हैं, तो आपने ये स्टेप ज़रूर करना है कि फालतू की ऐप्स को आप लाजमी अनइंस्टॉल या डिसेबल कर दें, तो इससे आपकी डिवाइस क्लीन रहेगी, सिक्योर रहेगी, और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की साइड पर इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा। तो आपने सिंपल यही करना है कि जब भी नोटिफिकेशन आपको ऐप सेंड आउट करे तो आपने सिंपल इसको ड्रैग करना है और देर तक प्रेस करना है। जैसे आप देर तक प्रेस करेंगे आपको मोर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके अंदर जाकर आपने नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर देना है। अब ये तो फिलहाल सिस्टम की नोटिफिकेशन है तो यहाँ पे टर्न ऑफ नहीं होगा, लेकिन अगर ऐप को नोटिफिकेशन होगा तो वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये अगर आप चार काम करते हैं अपनी टेक्नो डिवाइसेस के अंदर तो आपकी डिवाइस जो है ऐड से बिल्कुल फ्री हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी ऐड नहीं मिलेंगे, और आपका एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा। आज की वीडियो आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर करेगा, चैनल पे आप नहीं हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे लाजमी क्लिक कर देगा, ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको बर वक्त टाइम पर मिल सकें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप तो ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।